आज जो है आपका पेपर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी लेट हो चुका है अभी जो है ये पेपर आया था तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको देखिए बी एस सी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट के कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको देख लेना जिन्होंने यूनिट फर्स्ट पढ़ी है वो यूनिट फर्स्ट के पेपर क्लियर करना यूनिट सेकेंड वाले यूनिट सेकेंड का करना और यूनिट थर्ड इस तरह से जिसने जिस यूनिट को पढ़ा है वो उस यूनिट के पेपर क्लियर कर लेना ठीक है तो देखिए यहाँ पर निम्न को परिभाषित कीजिए फर्स्ट है आंतरिक ऊर्जा सेकेंड है एनथेलपी और थर्ड है ऊष्मा धारिता बी है समतापीय प्रक्रम चक्रिय प्रक्रम रुद्रोशम प्रक्रम और उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ये ए और बी हो गया पहले का ठीक है तो इन दोनों को जो है एक बार अच्छे से देख के जाना है ठीक है क्योंकि एक बार यदि आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आपको ये थोड़ा याद रह जाएगा और वहाँ पर आप इनको लिख सकते हो और जिसने जिस यूनिट को पढ़ा होगा उसको इन क्वेश्चनों का पता होगा और वो आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकता है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्क्रम ताप की परिभाषा लिखिए वास्तविक गैस के व्युत्क्रम ताप के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए जूल थामसन प्रभाव व जूल थाम्सन गुणांक और अगला है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम और अवस्था फलन व पथ फलन निम्न को विभेदित कीजिए आपको करना है अवस्था फलन व पथ फलन के बारे में और नेक्स्ट है विस्तीर्ण गुणधर्म एवं गहन गुणधर्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार आपका है यहाँ पर ऊष्मा गति के द्वारा सिद्ध कीजिए कि स्थिरता पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित होती है तो ये है यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आप स्क्रीन ले सकते हैं इन स्क्रीन को जो है आप लेकर देख सकते हैं यूनिट सेकंड के मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को जो है आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए ठीक है और इन क्वेश्चनों को जो है मिला लेना आपके उस सोल्ड पेपर जिसमें भी पड़ रहे हो उनमें मिल जाएगा तो यहाँ पर है देखिए क्लोसियस कैलेपिरोन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इस इनके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए बी है ऊषमागतिकी के आधार पर सक्रिय द्रव्यमान नियम को व्युत्पन्न कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ऊषमागतिकी का द्वितीय नियम आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी ली सातेलीय सिद्धांत और के पी व के सी में संबंध व्युत्पन्न करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी आप, आपको जो है उस गति के गृत नियम कारणों पर मे के अनुप्रयोग गिब्स हेल्म होल्टज समीकरण क्वेश्चन नंबर चार है गिब्स की मुक्त ऊर्जाओं को समझाइए है। गिब्स हेल्म होल्टज समीकरण का नियमन कीजिए नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट थ्री जो है उसके मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जिसको आप देखना अच्छे से ठीक है सम्मानित प्रावस्था नियम से क्या तात्पर्य है लेड सिल्वर तंत्र को नामांकित प्रावत आर एक खींचकर इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए हेनरी के नियम को व्याख्या सहित लिखिए इसको सिद्ध करके जो है करने के लिए प्रयोग का वर्णन कीजिए व इसकी सीमाएं आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर तीन है निम्नतर व उच्चतर सविलियन ताप को उदाहरण व आर एक सहित समझाइए नेक्स्ट है, है सैविलियन ताप पर अशुद्धि का क्या प्रभाव हो इसको भी आपको यहाँ पर इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर फोर है क्लोसियस कैलेपरोंन समीकरण की सहायता से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिकलन कैसे करेंगे और बी है यहाँ पर निम्न को समझाइए इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं ले सात सातेलिया का सिद्धांत और अनुपातिक तो इस तरह से जो है तीन यूनिटों की जो है आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और जिन्होंने जो है चौथी यूनिट क्लियर की है चौथी और पांचवी तो वो जो है ऐसे करना जैसे चौथी यूनिट है उसके अंदर द्रव द्रव संगम युक्त वो है उसको कर लेना ठीक है और नेक्स्ट आपका जैसे चौथी यूनिट के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा एक मिनट रुकिए चौथी यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको देखिए एक बार चौथी यूनिट के मैं बोल के बता रहा हूँ इसमें से देखिए यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड आपको पढ़ लेना है पाँच यूनिट के हैं सॉरी पाँच यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको पढ़ लेना कैलोमल इलेक्ट्रोड है दांतों संसारण व प्रकार इसके ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में आपको देख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग जो है इनको लिख लेना है नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डेनियल सेल तथा इसके कार्य लिख लेने हैं और बफर विलियन के बारे में आपको परिभाषा इसकी याद कर लेनी है और फोर नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना यहाँ पर सीसा संचायक सेल के महत्व की विवेचना जो है आपको पढ़ लेना है और जो अगला क्वेश्चन है आपके यूनिट फाइव का जो है मैं बता रहा हूँ नैनसठ समीकरण क्या है जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए नैनसठ समीकरण क्या है यह समीकरण किस प्रकार से सेल के विद्युत वाहक बल तथा इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करने के लिए उपयोग में आता है नेक्स्ट आप एक कर लेना यहाँ पर द्रव द्रव संधि विभव क्या है द्रव संधि विभव के व्यंजकों को व्युत्पन्न कीजिए तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसके बता दिए इनको जो है आप क्लियर कर लेना और जिसने चौथी यूनिट पढ़ी है वो अपने हिसाब से देख लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे 28 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है तो 27 तारीख के दिन मैं आपको 8 या 9 बजे एक जो है पेपर बताऊंगा उससे आपके बाहर ना जाने के संभावना होते हैं तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से एक बार पढ़ के जाइएगा यदि आपकी किस्मत बढ़िया हो तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपके ना जाए और वैसे भी एक यूनिट आप क्लियर कर लेते हो और तीन क्वेश्चन क्लियर कर देते हो तो पेपर का पूरा सौ प्रतिशत हो जाता है तो मैं आपको बी एस सी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो यूनिट फर्स्ट है वो आपको बताने वाला हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहला देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में आपको लिखना है वुडवर्ड फीजर नियम और वन ये नियम है इसके बारे में लिखना है बियर और लैमबर्ड नियम और इसकी सीमाएं भी याद रखनी है आपको तीसरा है आपका वर्णोत्कर्षी जो है ये भी आपको याद करना है मोलर अवशोषण अवशोषकता इसको भी क्लियर कर लेना है सेकंड क्वेश्चन आपका कंपन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बनिक यौगिक में होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपनों के सचित्र वर्णन कीजिए और चयन के नियम और अंगुली छाप क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट आपका है वर्णमूलक वर्णवर्धक और वर्ण वर्णित सामी विस्थापन के बारे में आपको लिखना है और चौथा यहाँ पर जो है तीसरे का वो है कंपन के प्रकार ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है तो ये जो है फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अब कोई विद्यार्थी जो है यूनिट सेकेंड उसने क्लियर किया है तो यूनिट सेकंड के इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना क्लेजन पुनर्विन्यास सेकेंड है कोलबे रिमर अभिक्रिया थर्ड है राइमर टीमान अभिक्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड उसका एथिलीन ग्लाइकोल से निम्न में को कैसे प्राप्त करेंगे टेरिलीन पिनेकोल पिनेकोलस पुनर्विन्यास की क्रियाविधि समझाइए नेक्स्ट प्रारंभिक द्वितीय तृतीय एल्कोल में विभेद नेक्स्ट ग्लिसरोल के आइसोप्रोपिल आयोडाइड में परिवर्तन और जो थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट आपका फ्रीज पुनर्विन्यास और ये सल, पर परसल्फेट ऑक्सीकरण नेक्स्ट विलयमानन ईथर संश्लेषण इनको आप जैसे ही मिलाओगे तो आपको इसका जो शुद्ध आपको दिख जाएगा ठीक है नेक्स्ट यूनिट थर्ड में से आपके नाइट्रोबेंजिन को विभिन्न माध्यम में पहुंचाते हैं तो कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं अम्लीय माध्यम उदासीन माध्यम सार्य मा, माध्यम और विद्युत अपघटे माध्यम इसमें से बताना है नेक्स्ट आपका सेकंड जो है वो है समझाइए एनिलीन का सीधा नाइटीकरण संभव नहीं है बेंजिल एमिन पी टालुन से अधिक सारकीय होता है एमिन योगी के की त्रिविम समाव्यता हेलो नाइट्रोन नाइट्रो एस एटी एसिन ये क्या है इसको देख लेना एथिन की रासायनिक क्रियाशील था और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजिन का ऑप्शन और ये है थोड़ा इसको मिला लेना क्या है थैलीमाइड एबिक्रिया है एथिलीन के द्वारा निम्न का संश्लेषण फ्लोरिन कार्बिन है ये मेरे हिसाब से तो इनको देख लेना और एक बार इसका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जूलॉजी का इसका आया था निर्मल चौधरी जो पेपर है जूलॉजी का आया था तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले थे पूरा सौ प्रतिशत पेपर जो है यहाँ से मिल गया था जूलॉजी का उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा और अभी जो है इनऑर्गेनिक का पेपर आते ही मैं डाल दूँगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद हेलो एवरीवन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो पेपर है इनऑर्गेनिक का पेपर आते ही मैं आपको डाल दूँगा तो अब आ चुका है इनऑर्गेनिक का के? जो बी एस सेकेंड ईयर का पेपर तो उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ लेना काफ़ी टाइम है आपके पास एक या दो घंटे अभी पढ़ोगे आप जैसे एक या डेढ़ घंटे पढ़ोगे तो उसमें इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना है ठीक है और सुबह जल्दी जाते हो तो इनको एक बार फेर लेना है वैसे उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है ये क्वेश्चन आते होंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होते हैं वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है सबको आता है सेकंड क्वेश्चन है निम्न को निम्न की संक्रमण दाँतों के संदर्भ में समझाइए उपशैषिक योग्य बनाने की प्रवृत्ति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है नेक्स्ट है अष्टपल की चतुष्थ पलकीय एवं समतलीय वर्गाकार क्षेत्र में डी कक्षकों के विभाजन को समझाते हुए डेल जीरो डेल टी एवं डेल एस पी में संबंध में आपको गणना यहाँ पर करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों को समझाइए फर्स्ट है डी डी संक्रमण उत्प्रेत की सक्रियता उच्च गलनांक ठीक है अब बात करूँ मैं यूनिट सेकेंड तो यूनिट सेकेंड में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एन आई सी एल फोर टू है जबकि एन आई सी एन फोर टू है क्यों इसके बारे में आपको बताना है नेक्स्ट है सी ओ कोबाल्ट सेकेंड के अष्टफल के संकुल सरलता से कोबाल्ट थर्ड संकुल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं इसके बारे में बताना है केथरी एफी सिक्स संकुल इसको आप देख लेना संकुल की तुलना अत्यधिक अनुचुंबी के हो जाते हैं ये भी आपको बताना है नेक्स्ट है वी के आधार पर निम्न संकुलों की ज्यामितीय वर्चुअल गुणों को समझाइए इसमें से क्या करना है जैसे किसी ने यूनिट थर्ड पढ़ी है तो वो यूनिट थर्ड के इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना किसी ने यूनिट सेकंड पढ़ी है तो वो देख के जाना ठीक है पूरी यूनिट को देखने का कोई मतलब नहीं है ठीक है जितना आपने पढ़ा है वो उतना देख के जाना है नेक्स्ट आपके यहाँ पर यह है जो इसको पढ़ लेना आपको नेक्स्ट है निम्न अष्टफल के संकुल के संभव त्रिवेम समाव्यता को आरेखित कीजिए तो ये जो दे रखे हैं इनमें कर लेना है लुइस अम्ल सार अवधारणा को परिभाषित कीजिए अम्ल एवं सारों का लुइस अवधारणा के आधार पर वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट है के ये क्या क्या है लफ्स फ्लड के अम्ल सार सिद्धांत को समझाइए तो आप देख लेना ये क्या है थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा निम्न पर टिप्पणी लिखिए धातु अमोनिया विलियन विलायकों का वर्गीकरण विद्युत उदासीनता सिद्धांत आंतरिक व बाह्य कक्ष संकुल और अम्लीय विलियन होगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट है अम्ल सार की बोनस्टेंड बोनस्टेड लोरी अवधारणा को समझाइए इस अवधारणा को सीमांत बताइए सीमाएँ सॉरी सीमाएँ बताइए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कि जो ये है मतलब एजलीय विलायकों से क्या तात्पर्य है एजलीय विलायकों से क्या तात्पर्य है और द्रव अमोनिया विलयक के रूप में जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं है, होती हैं उनका वर्णन आपको करना है नेक्स्ट जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है तो आप इन दो यूनिट के जो क्वेश्चन हैं इनको पढ़ के जाना और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ठीक है सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट मिले